डेरिवेटिव क्या होता है अब डेरिवेटिव्स, डिफरेंसिएशन ये सारे शब्द आने वाले हैं लेकिन अगर डेरिवेटिव क्या होता है किसी एक पॉइंट पे उसके बारे में जानना है तो हम ये डेफिनेशन के तौर पे चलेंगे देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं बता रहा हूं आपको डेरिवेशन, और डेरिवेशन किसी एक पॉइंट पे एट अ पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैथमेटिकली बताऊंगा फिर हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट लेंगे मान लीजिए एक एफेक्स आपका एक फंक्शन है हम फंक्शन देख चुके हैं और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है इसका मतलब है ये पूरी तरीके से डिफाइन है एक इंटरवल है आपका ए कॉमा बी ओपन इंटरवल कर दीजिए इसको ये फंक्शन इसमें डिफाइंड है मतलब ए और बी के बीच में आप कुछ भी डालेंगे एक्स की जगह तो आपको वाई मिलेगा इस इंटरवल में और आप मान लीजिए कोई एक सी है जो एक कॉन्सेंट मैं कह रहा हूँ इनके बीच में है कॉन्सेंट सी बिलोंग्स टू इस ए कोमा बी कर दीजिए सी इसके बीच में कहीं भी आता है तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ध्यान रखिएगा मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ वो डिफरेंशिएट होगा या डिफरेंशिएबल है या फिर ये कहें कि या डेरिवेटिव है इसका एक्स सी पे यानी ए और बी मान लीजिए दो 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 और पाँच नंबर है आप कहते हैं भाई दो और पाँच में तीन बीच में आता है तीन पे मैं अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखना चाहता हूँ ये एक फंक्शन है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको ये तीन पे साइन थ्री साइन थ्री डालेंगे तो वाई की कुछ वैल्यू आएगी तो हम ये कहेंगे कि हां भाई ये डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या है ये तभी होगा एफ एक्स आपका ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा या इसका डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पे यदि देखिए इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि लिमिट इसीलिए शुरुआत में हमने देखी कि लिमिट जहां पर एक्स टेन टू सी मतलब ये तीन नंबर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया यहां पर आपका फंक्शन लीजिए एफ एक्स जिसको सब करिए उस वैल्यू से जो आपने लिया है इसके बीच में एफ एक्स है माइनस एफ थ्री और डिवाइडेड बाय माइनस सी तो अल्टीमेटली अगर आप देखें टेंड्स टू सी है तो यहां टेंड्स टू सी डालेंगे तो यहां भी जीरो आएगा यहां एफ सी डालेंगे तो भी जीरो आएगा जीरो बाय जीरो फॉर ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली ये एग्जिस्ट कर रहा है यह फाइनाइट रूप में एग्जिस्ट कर रहा है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट का ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा ये जो लिमिट आप देख रहे हैं इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं अब आप जब आगे मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल एस्पेक्ट क्या है लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो केवल इतना ही होता है तो डेरिवेटिव बेसिकली लिमिट के बारे में बात हो रही है लिमिट ही इस लिमिट को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं या इसी को हम डेरिवेशन कहते हैं इस फंक्शन का कौन सा फंक्शन इस FX का इस FX के बारे में बा, बात कर रहा हूं किस पॉइंट पे, इस C पे बात कर रहा हूं। और इसको हम कैसे लिख के देते ये जो पूरा आएगा ये पूरा पूरा जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इस पूरे ब्रैकेट को हम कहेंगे F F लिखा? क्योंकि डेरिवेटिव है या फिर आगे हम इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे इसको आप कैपिटल डी एफ सी कह सकते हैं और कई जगह पर इसको कहा जाएगा डी बायस इस फंक्शन का एफेक्स का और किस पॉइंट पे x बराबर सी पे ऐसे करके कर दीजिए इसका मतलब अगर कोई भी कहता है कि आप डिफेंसियशन निकाल रहे हैं डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी फंक्शन का c पर f डैश कर दिया मैंने ये मतलब है इसका सीधा मतलब केवल इतना ही है लिमिट x टेंस टू c और इसके आगे क्या है एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी लेकिन अब मैंने बताया जीरो बाय जीरो है तो ये तभी होगा जब ये एग्जिस्ट करे मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में ना हो तब ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो पूरे इस डिस्कशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो फंक्शन है एफेक्स ये डिफ्रेंशियबल है जो भी मैंने डोमेन बताया जैसे एग्जाम्पल लिया था ना ये डोमेन इस पे डिफ्रेंशियबल है, है हर एक पॉइंट पे और ये जो लिमिट है मतलब ये वाली जो लिमिट मैंने आपको बताई ये वाली ये एग्जिस्ट करती है मतलब कोई ना कोई वैल्यू देगी ये इनडिटर फॉर्म इस फॉर्म में नहीं आएगी ओके अब इसको आप कह सकते हैं भाई सी है तो सी माइनस कर लीजिए एक बार आप सी माइनस कर लीजिए एक बार सी प्लस कर लीजिए आपको पता है क्या करना है इसमें एफडैश सी निकालना है तो आपको क्या होना चाहिए सी प्लस मतलब होता है एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए यहां पर एक्स प्लस एक्स रख दीजिए जब सी माइनस लेंगे तो यहां पर एक्स माइनस एच रख दीजिए या एक्स माइनस एच रख दीजिए ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों क्योंकि ये हम ऑलरेडी लिमिट में कर चुके हैं तो यही चीज हम यहां पर करेंगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा कि डेरीवेटिव का मतलब क्या होता है किसी एक पॉइंट पर और यही चीज़ बेसिकली इट्स लिमिट लिमिट ही होती है अब अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया क्या है देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ हमारे पास एफ है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसको कैसे बना रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो गया अब आपको निकालना है एफ डैश टू एफ डैश क्या बताया है? मैंने ये डिफरेंस ये डेरिवेटिव है डिफ्रेंसिएशन है किस पॉइंट पे टू पॉइंट टू टू पे इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो अब क्या करेंगे एफ डैश टू का सीधा फॉर्म फॉर्मूला मैंने क्या बताया अगर आपको एफ डैश टू निकालना है तो आप लिमिट लगाइए यहाँ पे लिमिट और लिमिट क्या लगाएंगे मैंने आपको कहा या तो सी माइनस करिए या सी प्लस करिए ये बताया था तो आप क्या करेंगे ये जो एफ एक्स है यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी और हम यहाँ पर लिमिट लेना चाहते हैं चलिए एक्स सी यहां पर क्या है टू दिया हुआ 2, 2 है टू टू प्लस टू प्लस एच रखना चाहते हैं तो लिमिट यहां पर रखिए की जगह मैं रख रहा हूं टू प्लस एच माइनस एक्स तो है सी तो है टू है ही बाय एक्स प्लस यहां पर रखेंगे टू प्लस एच माइनस टू ये क्या है एक्स माइनस सी अब ये लिमिट क्या है होना क्या ये चाहिए था जो मैंने आपको बताया था ये एक्सटेंस टू सी था एक्सटेंस टू टू होना चाहिए लेकिन क्यों हमने x की जगह जब टू प्लस एच रख दिया तो लिमिट टेंड्स टू जीरो हो गया है ना अगर आप टू को यहाँ लाएँ और एक्स माइनस टू टू एक्स को टू कहें तो टू माइनस टू जीरो होता था तो टेंड्स टू जीरो हो गया तो इसको भूल जाइए आप एक्स टेंड्स टू जीरो रखेंगे अब तो ये आप ये तरीका अपनाएंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या है देखिए तो एफ टू प्लस एच अब आपको करना क्या है जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर टू प्लस एच रख देना यानी कि एक्स की जगह टू प्लस एच होल स्क्वायर रख दीजिए यहाँ तो एफ टू है ही एफ टू क्या है इसकी जगह टू रखिए टू स्क्वायर प्लस वन मतलब इस इस टू को यहाँ तब्दील कर दीजिए तो टू स्क्वायर प्लस वन कितना होगा टू टू ऑफ फोर फाइव फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाई आपका टू टू कैंसिल एच आ जाएगा टू प्लस एच खोल कर क्या है एच स्क्वायर प्लस टू टू ऑफ फोर माइनस टू टू ऑफ फोर एच यहाँ माइनस फाइव है आपका ठीक तो आपका क्या आया ए स्क्वायर ए स्क्वायर अच्छा ये प्लस वन भी है तो यहाँ सबने प्लस वन भी जोड़ दीजिए प्लस वन यही है हां? तो यहाँ प्लस वन भी कर दीजिए तो क्या हुआ ये फोर प्लस वन और ये माइनस फाइव इसके साथ कट गया ये तीनों कट गया एच स्क्वायर माइनस फोर एच आया नीचे तो एच चल ही रहा है यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए एच स्क्वायर माइनस फोर आ गया एच माइनस फोर आ गया नीचे आपका एच है ये ये प्लस है प्लस ये प्लस है ना ये प्लस आ गया अब यहाँ पर एच क्या करिए ये एच एच कैंसिल कर दीजिए एच प्लस फोर आया अब यहाँ पर लिमिट आपका ही रहा है लिमिट क्या लगा रहे हैं आप एच टेंस टू जीरो तो ये फोर एच प्लस फोर में लिमिट एच टेंस टू जीरो में जीरो आ गया फोर आ गया इसका मतलब क्या हुआ देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको बताया कि आपको एफ डैश टू निकालना है यानी कि डेरिविटिव निकालना है टू पे यानी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है इस एफ का इस वाई इक्वल्स एफ एक्स का आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू पे वो आपने निकाल लिया और आपने किया क्या कि? आपने लिमिट देखी एक्स टेंस तो टू टू पे इस ये एग्जिट कर रही है कि नहीं कर रही और आपने देखा कि लिमिट लगाया मैंने यहाँ राइट हैंड लिमिट लगाया है, या लेफ्ट हैंड लिमिट लगाया और राइट हैंड लिमिट लगा के हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर अगर हम शुरुआत में देखें तो ये इनफाइनाइट ये जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा था ये तो डिटर्न फॉर्म हो गया लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया कि डिटेन फॉर्म नहीं है इसका मतलब डिफरेंशिएशन इसका एग्जिस्ट करता है पॉइंट टू पर जो इसका डोमेन है और उसकी वैल्यू है चार इसी को डेरेवेटिव इसी को डेरेवेटिव कहते हैं इसी को डिफ्रेंसीशन कहते हैं